रुद्रपुर जिला मुख्यालय में शहादत दिवस के अवसर पर मेहनतकश मजदूर और समाज सेवी को शहीद उधम सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण और नमन करने से जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने रोका और जिला मुख्यालय को पुलिस प्रशासन द्वारा छावनी में बदल दिया गया और इसी के विरोध में मजदूरों ने जिला मुख्यालय के गेट पर ही क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह की फोटो पर ही माल्यार्पण कर वापस अपने अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचे। मजदूर नेता सुब्रत विश्वास ने कहा, मेहनतकश मजदूर और सामाजिक संगठनों को कई बार जिला मुख्यालय के गेट पर उनके अधिकारों की बात करने और उनके मांगों को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय के अधिकारी ने मुकदमा और गेट बंद कर दिया, परंतु वही नेताओं के लिए राजनीतिक दलों के पार्टियों के नेताओं के लिए हमेशा जिलाधिकारी कार्यालय का दरवाजा खुला रहता है। देश की आजादी के बाद ऐसा दुर्व्यवहार मजदूरों, मेहनतकश और समाज सेवी के साथ जिला उधम सिंह नगर जिला में ही होता है। पिछली बार भी पूर्व जिला अधिकारी पंत शहादत दिवस पर माल्यार्पण करने आए मेहनतकश मजदूर, महिला, बच्चे समाज सेवी को जिला मुख्यालय के गेट पर ही रोक दिया और छावनी में बदल दिया। भारी बारिश में बच्चे, महिला भीगते रहे और जिला अधिकारी महोदय एसी रूम में बैठे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे अधिकारी हमारे देश के उच्च पदों में बैठे हुए हैं। और मजदूरों ने मांग की कि किस शहीद उधम सिंह जी की प्रतिमा को जिला मुख्यालय से बाहर लगाया जाए, जिससे कि गरीब मजदूर, मेहनतकश और समाज सेवी उनके शहादत दिवस और जन्मोत्सव दिवस मना सके। की मूर्ति लगी है कलेक्ट्रेट के अंदर में, जिला मुख्यालय है, उन पर हम लोग माल्यार्पण करने के लिए आए थे, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा हमको रोक दिया गया। मजदूर जो सवेरे की शिफ्ट से लेकर के 8-10 घंटे से भूखे प्यासे हैं और इस उम्मीद से आए थे कि माल्यार्पण करने दिया जाएगा, लेकिन शर्मनाक विषय है सवेरे जो है नेताओं को, तमाम सारे लोगों को तो माल्यार्पण करने दिया गया, लेकिन जब गरीब और मजदूर लोग यहाँ पर गए उनको रोक दिया गया। ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है और उधम सिंह जी के बलिदान का अपमान है और जिला प्रशासन को जो ऐसा शर्मनाक काम यहाँ पर वो कर रहा है और ये दिन इस देश को देखने पड़ रहे हैं और जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं और हर साल हम लोग यहाँ पर आते रहेंगे। उधम सिंह जी के बलिदान को याद करने के लिए आए हैं और उधम सिंह जी के बलिदान का जो अपमान किया गया उसका बदला हम लोग जरूर लेंगे, जरूर हम लोग इसके खिलाफ में आगे संघर्ष करेंगे। यहाँ आने का कारण था कि यहाँ पर जिला मुख्यालय में शहादत दिवस के रूप में शहीद उधम सिंह जी की मूर्ति का माल्यार्पण करने के लिए हम लोग आए हुए थे। पिछले वर्ष भी हम आए थे, वहाँ पर भी बड़े दुख की बात है, पिछले बार जब पंत जी थे उन्होंने, जो डीएम थे, उन्होंने मजदूरों को, बच्चों को यहाँ भीगने के लिए छोड़ दिया, उसी के बाद आपके बाद बदलाव हुआ तो हमें लगा कि शायद उधर राज्य भी अच्छे व्यक्ति होंगे, अच्छे डीएम होंगे, परंतु दुख की बात है उन्होंने भी हमें यहाँ पर मजदूरों को बाहर बैठा दिया और अंदर माल्यार्पण करने नहीं दिया गया। और ये कहा जा रहा है कि जो हमें सूत्रों से पता लगा है कि बोल रहे कि ये जिला कार्यालय यहाँ पर वो नहीं कर सकते, मजदूर लोग नहीं आ सकते माल्यार्पण करने के लिए, परंतु ये पूछना चाहता हूँ कि विधायक क्या करने के लिए आए थे? विधायक भी तो जनता के द्वारा चुना गया है, आप विधायक के लिए तो आप लोग पूरा मजमा लगा के करते हो माल्यार्पण, मगर हम गरीबों को अंदर नहीं जाने देते हो, तो कहीं ना कहीं ये गरीबों का और मजदूरों का अपमान है और कहीं ना कहीं ये औद्योगिक मित्रों के मित्र बने पड़े हैं कि ये गरीब मजदूर जब सामने आए तो इनकी आवाज़ दबाई जाए, इनका शोषण किया जाए, इनको अंदर ना आ जाए। ये कहीं ना कहीं एक छुआछूत और भेदभाव वाला राजनीति अपनाते हैं, जहाँ देश के अंदर आप कहते हैं कि छुआछूत से दूर हो गए तो ऐसा लगता है जैसे मजदूर गरीब लोगों का, गरीब लोगों के अंदर चले गए तो ये अछूत हो जाएंगे। तो इससे बड़ी दुख की बात क्या, मैं उदय डीएम उदयराज से कहता हूँ कि भैया थोड़ा ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, जो उन्होंने कार्य किया है इस कार्य के लिए जो अपना खेत प्रकट करें, और नहीं तो ये जो हमारे उधम सिंह जी की मूर्ति है उनको बाहर ला के रखे, जिससे कि जो भी स्वतंत्र सेनानी के जो सम्मान करना चाहते हैं, उनका माल्यार्पण करना चाहते हैं, वो आराम से माल्यार्पण कर पाए, उनको कैद में ना रखे। भगत सिंह एक बात क्या क्या कहते हैं, मैं उधम सिंह की उसमें एक भगत सिंह की बात कहना चाहता हूँ क्योंकि वो गुरु भाई मानते थे उनको, मैं एक बात ही बताना चाहता हूँ कि भगत सिंह कहते थे कि देश की आज़ादी के बाद गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे, काले अंग्रेज हराए जाएंगे, तो वही स्थिति बन गया आज, जो काले अंग्रेजों ने उधम सिंह जी की मूर्ति को कैद रखा उससे आजाद कराने की आवश्यकता है। और मैं डीएम उदयराज जी से हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि गरीबों का इस प्रकार से शोषण ना करें, गरीबों को दबाए ना, गरीबों को इस तरह से बाहर ना बैठाए। पिछली बार भी आपके डीएम साहब ने ऐसा किया था और आप भी यही कर रहे हैं, और उधम सिंह जी को आजाद करें, जो आजाद उनका नाम है उनको आजाद करें और उनकी मूर्ति को बाहर लगाए, क्योंकि आपने उनको कैद कर रखा है, इससे बड़ा दुख की बात नहीं है। और जल्दी से जल्द आजाद नहीं करते उसके लिए आंदोलन किया जाएगा। जय हिंद जवाहर।